हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी ASP.NET की सीरीज़ पे, जो कि जिसमें हम ASP.NET कोर लेटेस्ट वर्जन 7 और C#11 के फीचर्स और स्टार्टिंग से एडवांस तक C# सीख रहे हैं, .NET सीख रहे हैं हम। और जो .NET डिमांड में है, अगर आप कहीं भी .NET के इंटरव्यू देने जाते हो तो .NET कोर के और लेटेस्ट वर्जन्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और आई होप कि अगर आप देख रहे हो, साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ज़रूर कोई जो भी क्वेरीज होती हैं आपकी, और ज़रूर कमेंट्स में DM और DM करके हमसे ज़रूर पूछा कीजिए, सो दैट कि वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाए। और जो भी पुरानी अपने हमारी वीडियोस देखी हैं, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ हर वीडियो के पहले जो वीडियो होते हैं ना, सीक्वेंस वाइज देखिए आप। अगर आप दो वीडियो देख ली, दो स्किप कर दी, तो कुछ जो कोड है ना हमारा, कुछ जो फीचर्स हैं वो आप नहीं सीख पाओगे, और बाद में वो ही आगे जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जिवें ही तुसीं लास्ट वीडियो दे विच देखिया कि वाइल लूप किवें आपां लिख सकदे हैं, की बेनिफिट होंदे, किवें कम करदी है, सेम उसी तरह से हम अभी करेंगे डू वाइल लूप। और डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो पे और वहाँ पे नया कंसोल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और वैसे ये 7 है, जो ये आउट ऑफ स्पोर्ट हो चुका है, लेकिन हम कंसोल एप्लीकेशन तो अपने सीखने के लिए तो बना ही सकते हैं, राइट। तो इसे हमने दे देते हैं, नाम देते हैं डू वाइल। और अगर आपने वाइल की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, तभी आपको ये कंसेप्ट यूज़ टू होगे, तभी आप और सीख इजीली सीख पाओगे, राइट। नाउ वी क्रिएट इंट आई, वी कैन से हम आई ले लेते हैं, चलो आई इक्वल टू 1, और हम लिखते हैं डू। आप देख सकते हो डू आया, और मैंने टैब प्रेस किया तो शॉर्टकट होता है ये, इसने आगे का सारा सिंटेक्स लिख दिया उसका, राइट। और जैसे हमने अभी इसमें क्या होता है, वाइल इफ में आप ट्रू यहाँ पे, तो इसका मतलब कंडीशन यहाँ पे लगेगी 10। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट राइट लाइन आएगा हमारा, राइट लाइन। राइट लाइन में क्या करेंगे हम, जो भी हमने वेरिएबल लिया उसे प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद आई को प्लस प्लस कर देंगे, और सब के एंड में हम कंसोल डॉट रीड लाइन लगाएंगे। रीड लाइन क्यों लगानी है ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, राइट। अभी हम इस वीडियो को रन करते हैं, और अगर आपने एक एक स्टेप कैसे चेक करना है वो आपको डिबगर से डिबग कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो को आप में आपको बताया था। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लेना, राइट। अगर मैं अब इसे 9 की जगह 10 तक चलानी है तो कैसे चला सकता हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर वीडियो मैंने 10 तक चलानी है तो कैसे चलाऊँगा। और जो सबसे बड़ा वाइल और डू वाइल में डिफरेंस है कि यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है और वाइल में सबसे स्टार्टिंग में चेक होती है, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 11, ठीक है, 11 लिख दिया। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसे दोबारा चलाऊँगा, तो अभी आप देख लीजिए कि जो 11 है वो 10 से बड़ा होता है, राइट। यह कंडीशन है कि 10 से छोटे तक चलनी चाहिए, लेकिन 10 से बड़ा तो है 11, लेकिन ये लूप है, ये पहले कंडीशन एक बार कंडीशन रन करती है, उसके बाद जाके ये वाइल में चेक करती है। तो सबसे पहले एक बार तो जो भी कोड है हमारा वो रन हो ही जाएगा, बेशक कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, कंडीशन मैच भी नहीं करती, लेकिन कोड पहले रन हो जाता है, कोड डू में लिखा जाता है, तो कोड पहले एक बार रन हो भी गया, लेकिन उसके बाद
अब ये कंडीशन पे आएगा, तो कंडीशन पे आके बंद हो गया, सिर्फ 11 ही ली, लेकिन एक बारी कोड हमारा प्रिंट हो चुका है। डू वाइल में ये ही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डू वाइल हम अगर आपकी कंडीशन गलत भी है फिर भी एक बार तो वो रन होगी ही होगी, जबकि अगर कंपेयर करें वाइल में और जो आगे हम करेंगे फोर इच फोर लूप, उनमें ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस है, राइट। अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कोड है कि चाहते हैं कि कम से कम एक बार तो रन हो ही जाए, तो हम उस टाइम पे डू वाइल यूज़ करते हैं, राइट। और अगर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर 10 तक चलानी है तो क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे कोड में, राइट। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट और मैसेज कर सकते हो आप, और प्लीज़ वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट हमें थोड़े से अच्छे सब्सक्राइबर मिल जाएँ।